नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा पटेल हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम अनबॉक्स करेंगे जोलो एरा वन एक्स की। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियोस आगे लाने वाले हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज हम पहले इसको अनबॉक्स करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि ये फ़ोन कैसा है। तो आइए इसको पहले हम पैकेट खोल लेते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। ये अनबॉक्सिंग डन हो गई और उसके बाद ये डिब्बे में पैक होके आया है। सॉरी, ये फ्लिपकार्ट से आया हुआ है। एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं था, मैंने देखा नहीं था, ये फ्लिपकार्ट के थ्रू आया हुआ है हमारे पास। तो हम डिब्बा खोलते हैं, पहले देखते हैं डिब्बे में क्या मिलता है। पैकिंग तो बहुत अच्छी हुई है इसकी, साथ में कुछ ये वाली पन्नी लगा के इन्होंने दिया है ताकि ये टूटे ना। और इसके अलावा ये बबल्स वाली पन्नी बहुत अच्छी लगती है मुझे, फोड़ने में बहुत मज़ा आता है इसको। और इसके साथ में ये फ़ोन का डिब्बा फिर हमें मिलता है। तो आइए इस डिब्बे को खोलते हैं और फ़ोन निकाल के देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। तो सबसे पहले हम डिब्बे की इस पन्नी को बाहर निकालेंगे। तो ये कंप्लीट डिब्बा आ गया हमारे पास में। अब इस पैकेट को खोलते हैं और फ़ोन को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसका सील तोड़ना पड़ेगा। तो ये इसका सील तोड़ा मैंने और फिर आइए देखते हैं डिब्बे के अंदर मुझे क्या क्या मिलता है। दोस्तों जब हम इस फ़ोन के डिब्बे को खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो मिलता है ये फ़ोन मिलता है मुझे। सबसे पहले ब्लैक कलर का जोरो फ़ोन है ये। और उसके अलावा डिब्बे में USB चार्जर पोर्ट के साथ में, और उसके साथ में ये एक हेडफोन मिलता है। हेडफोन की क्वालिटी मैं सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हेडफोन की क्वालिटी कैसी है। और उसके अलावा साथ में ये यूज़र मैनुअल और ये बैटरी मिलती है हमें। तो आइए सबसे पहले हम बैटरी लगा के फ़ोन ऑन करते हैं और देखते हैं फ़ोन कैसा है। ये फ़ोन की बैटरी है और ये फ़ोन मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं इसको लगा के देखता हूँ कि फ़ोन कितने परसेंट चार्ज है। तो मैंने ये बैटरी लगाया और फ़ोन ऑन करता हूँ। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है फ़ोन की, शेप भी काफ़ी अच्छा है। इस शेप में मुझे फ़ोन में काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी स्लिम फ़ोन है तो इस तरह का फ़ोन मुझे भी बहुत पसंद है। कैमरा इसका फ्लैश के साथ में है। तो और देख लेता हूँ मैं क्या क्या है इसमें, मुझे क्या क्या मिल रहा है इस फ़ोन के साथ में। आप ये देख सकते हो कि ऑन होते ही मान जोलो लिख के आ गया यहाँ पे। और बाकी इसके फ़ीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इस फ़ोन में 1 ईयर की मैनुफैक्चरिंग वारंटी मिली है। 5,000 रुपये में अगर 1 ईयर की मैनुफैक्चरिंग वारंटी के साथ में ये फ़ोन मुझे मिला है तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। जोलो एरा 1X फ़ोन ये 5,000 रुपये बजट के हिसाब से बहुत अच्छा फ़ोन है। आप अगर लेना चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ में अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें फ़ोन की, प्लास्टिक तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक इसमें यूज़ हुई है। और नॉर्मल स्क्रीन के साथ में स्क्रीन गार्ड ये लगा के देते हैं हमको। और इसमें जैक की बात करें तो आप हेडफोन आपको साथ में मिलता है, 9mm हेडफोन के साथ में है ये। तो आप इसमें 9mm का हेडफोन कोई भी हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। वैसे कंपनी ने जो हेडफोन दिया है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये कंपनी हेडफोन प्रोवाइड करती है फ़ोन के साथ में। तो हेडफोन में मैं गाना लगा के सुन लेता हूँ या कुछ भी सुन लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हेडफोन की क्वालिटी कैसी है। रेंज की अगर बात करूँ तो 5,000 रुपये में ये फ़ोन शायद अभी मार्केट में आ रहा है। 5,000 में 5 इंची के स्क्रीन के साथ में 1GB DDR रैम और प्लस 8GB रोम के साथ में ये फ़ोन अवेलेबल है। तो 4X कॉर्टेक्स A4 कुछ प्रोसेसर के साथ में है, 1.3 GHz प्रोसेसर इसके साथ में, और एंड्रॉयड मार्शमैलो पे चलने वाला फ़ोन है ये। और इसके साथ में डुअल सिम है और 4G सिम ओनली वन, केवल एक सिम इसका 4G है और दूसरा सिम जो है वो 3G या 2G जो भी होगा। 8MP का रियर कैमरा है और 5MP का फ्रंट कैमरा है। तो कैमरे की क्वालिटी भी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसके पहले मैंने जो फ़ोन लिए थे इस अगर कैमरे क्वालिटी की बात करें तो 8 और 5 के जो कॉम्बिनेशन है इसमें जो नॉर्मल जो सेट फ़ोन अभी आ रहे हैं वो 10 के ऊपर आते हैं। तो फिलहाल उसके हिसाब से तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, कैमरे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं इसमें। 2500 mAh की बैटरी है साथ में इस फ़ोन के, तो मेरे ख्याल से बैकअप ठीक ठाक मुझे मिलेगा।
उसके अलावा GPS, पक्षी सेंसर, एम्बुलेंस लाइट सेंसर, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ये तो सारे फ़ोन में है, तो वो इसमें भी मिल रहा है। और उसके अलावा HD रिकॉर्डिंग है प्लेबैक के साथ में, मुझे इस फ़ोन में मिलता है। सिम के स्लॉट की बात करूँ मैं, तो सिम के इस फ़ोन के जो दो सिम ट्रैक हैं दोनों 4G हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही 4G में यूज़ कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से फ़ोन ठीक है। 5000 की रेंज में अगर मैं दोनों सिम ट्रैक मुझे 4G मिल रहे हैं और एक बार में एक यूज़ कर पा रहा हूँ तो सही है, क्योंकि नॉर्मल आदमी नेट के लिए आदमी एक सिम ही रखता है, एक फ़ोन कॉल के लिए रखता है, तो उस हिसाब से भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है। टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये फ़ोन बजट के हिसाब से 5000 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 5000 में तो ये बहुत अच्छा फ़ोन आपको मिल जा रहा है, अगर आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ करना चाह रहे हैं, 5000 में काफ़ी अच्छा फ़ोन चाह रहे हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा फ़ोन है। और शायद ये फ्रंट और बैक दोनों फ्लैश के साथ में ये फ़ोन है, हाँ फ्रंट और बैक दोनों फ्लैश के साथ में ये फ़ोन है। कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो इसका फ्रंट कैमरा जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी मैं दिखाता हूँ इसका, शायद आपको दिख रहा हो या मुझे तो नहीं लगता दिख रहा हो कि लाइट काफ़ी आ रही है, लेकिन कैमरे क्वालिटी की मैं बात करूँ तो कैमरा क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। मैं इसकी एक कोई वीडियो बना के आपको डालूँगा टेस्ट करने के लिए, आप देख के बोलना। कैमरा क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी मैंने देखा बहुत अच्छा कैमरा है, और बैक कैमरा इसका चेक कर लेता हूँ, बैक कैमरा भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो कमरे के अंदर इस तरह का रिकॉर्ड जो अभी जो फ़ोटो खींच रहा है, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कमरे के अंदर काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हो रही है, तो मुझे लगता है कि बाहर और अच्छी रिकॉर्ड हो सकती है। हालांकि कमरे के अंदर जब इतनी अच्छी रिकॉर्ड हो रही है तो बाहर और अच्छी रिकॉर्ड होगी ही होगी। तो कैमरे क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कैमरा है, रेट के हिसाब से एकदम सब कुछ परफेक्ट मिला है इस फ़ोन में। तो दोस्तों ये रहा है ज़ोलो एरा वन एक्स का क्विक एंड शॉर्ट रिव्यू। इसके अलावा इस फ़ोन को मैं जब यूज़ करूँगा और भी कुछ टेस्ट है मैं चेक करूँगा, तो फिर मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि फ़ोन कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। अभी के लिए तो मैंने इस फ़ोन को नॉर्मल अनबॉक्स किया है और एक छोटा सा रिव्यू दिया है। अगर आप आगे भी इसकी वीडियोज़ देखना चाहते हैं इस फ़ोन से रिलेटेड, या जो फिर हमारे टेक वीडियोज़ जो हम बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप जो भी वीडियोज़ हम बनाएंगे वो आप आसानी से देख पाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।